तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें चाट, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का स्वाद आपको मिलेगा और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देख लेते हैं ये बनते कैसे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम फ्रेश टमाटर यूज़ किया है। टमाटर को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आप इसे कॉटन कपड़े की हेल्प से इसके एक्स्ट्रा पानी को पोंछ लें। इसके बाद बीच से इस तरीके से कट लगा लें। चाकू की हेल्प से टमाटर के गूदे वाले हिस्से को बाहर निकाल दें इस तरीके से, और सभी टमाटर को कट लगाने के बाद इस तरीके से रेडी कर लें। तो चलिए, सभी हो चुके हैं रेडी। और जो टमाटर का गूदा वाला हिस्सा है, उसे आप सुबह शाम की सब्जी में यूज़ कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मोटा वाला बेसन। मोटे वाले बेसन से क्या रहता है, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर आता है, तो इसलिए मोटा वाला बेसन ही यूज़ कीजिएगा। साथ में ऐड कर दें आधा चम्मच के लगभग ज़ीरा, और नमक अपने स्वाद के हिसाब से ऐड करने के बाद ऐड कर दें इसमें बारीक कटा हरा धनिया, और साथ ही में ऐड कर दें पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और बैटर को इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा ताकि हमें सही कंसिस्टेंसी मिल सके। ये बैटर प्लेन ही बनता है, इसमें हो सके तो थोड़ा सा क्रश करके अजवाइन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन के साथ 1 कप पानी यूज़ किया है। आप किसी भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिएगा। जिस कटोरी से आप बेसन लीजिएगा, सेम उसी कटोरी से पानी ऐड करने के बाद बैटर रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से बन चुकी है। जिस तरीके से आलू टिकिया या ब्रेड पकौड़ा के लिए हम बेसन का घोल रेडी करते हैं, सेम उसी तरीके से बेसन का घोल रेडी करिए ताकि कोटिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू। उसे मैश कर लें। इसके बाद ऐड करें कोई सा भी सब्जी मसाला। इसमें सब्जी मसाला का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में ऐड करें आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर के साथ ऐड करें आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में ऐड करें बारीक कटा हरा धनिया और नमक स्वाद के हिसाब से। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना था। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, चटपटी फीलिंग रेडी हो चुकी है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए टमाटर के 1 हिस्से को ले लीजिए और आलू को इसमें फिल करते जाएं। इसी तरीके से सभी को कर लीजिए रेडी। यदि आपके घर में मेहमान आ रहे हों या आपको ये नाश्ते में बनाना है, तो इसकी तैयारी आप पहले से भी करके रख सकती हैं। सभी को इसी तरीके से रेडी कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं बेसन वाले घोल में, इसे डिप करते हैं और छानना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे कढ़ाई रख दें तेल गर्म होने के लिए, और इसे इस तरीके से कोटिंग करने के बाद आप इसे गरम गरम तेल में डीप फ्राई करें। इसे फ्राई करने के लिए आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें और अपने हाथों की हेल्प से इसे डालते जाएं। चम्मच की हेल्प से नहीं होगा क्योंकि टमाटर वाले हिस्से के ऊपर से थोड़ा सा बेसन डालना रहता है। तेल को इस तरीके से उछालते हुए आप इसे डीप फ्राई कर लें। इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, तो उलट पलट के इस तरीके से फ्राई करने के बाद इसे बाहर निकाल लें। इस नाश्ते को आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे वो तीखी और खट्टी चटनी हो या मीठी चटनी हो। तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा बना था। वेट रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें बाहर निकालते हैं। सेकेंड बैच भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, यदि कढ़ाई में तेल कम हो तो आप इस तरीके से हिलाते हुए आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही सावधानी से करना होगा। तो सेकेंड बैच भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें बाहर निकालते हैं और सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। एक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं और दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी प्यारी सी छोटी सी सब्सक्राइबर फैमिली को प्यार भरा नमस्कार।